आज तो अपना आधा दिन जी फार्म मीटिंग में गुजर गया। अभी दिन को हो गया खाने का टाइम और करेले दाल करेले आ गए। ये दाल करेले करेला जात बड़े। मैनेजर साहब जी तुसी आते हो रहे हो? अच्छा तो ना बाकी है। हाथों का क्या मकसद? तुम हाथ ना खाते हो? क्यों जना नहीं खाते? अच्छा वाशरूम के फिर ठीक। शेख साहब ने गाड़ी लचका दी। शेख साहब को घर साहब बाहर चिक्कड़ बड़ा है। शेख साहब एक सही पसंद आदमी फार्म पे आ गया नहीं किसी ने मान वहाँ पे जाना पड़ रहा है। बाहर अभी तक सुबह से पकड़ी हुई है पढ़ने हो नहीं रही बहुत चली गई। छः बादल फिर थोड़े थोड़े जनाब बन रहे हैं। कल ही बादशाह सी। हाँ भाई काका बजे है पटाका भी कोई नहीं बजे ये थोड़ा बात है। करेले दे करेले नहीं आंदे को नहीं। आज भिंडी आई है। आज भिंडी सस्ती है ये 100 रुपये ना। साढ़ा जिते दाल है दस ला देने। कितने ला? किसी 150 भी दे देने किसी 120 किसी 100 जिते कोई मानचे जिते ज्यादा ही नहीं भाई कटा लेंदे ने बापू। ये यार पॉलिसी गलत नहीं है साडे हाथ पास सरकार ऐसे नहीं है। रेट लिस्ट ऐसे ऐसे नहीं चल। रेट लिस्ट के रेट रेट लिस्ट से जे एक जे 185 रुपए ते एक जे 130 रुपए पिंडी यार ऐसे से कुछ भी नहीं। तुसी फिर लगे दाल आए है वहां ने लाया ऐसी के थोड़े ला सस्ती भी दे दी है जिसल दवाले महंगी है जिसने सस्ती भी दे दी है। चलो 400 किसने 400 रुपए किलो होंगी है उसने 250 भी देसी देने हैं। चलो ठीक हाँ जी बनी लग गई। मीटर से पानी अंदर जाता था यहाँ पे बनी बना दी गई। मोटरसाइकिल स्टैंड को भी रंग हो गया ये। सीट उनका लवा दो फिर थे सीट का लवा दो। मैं क्या फार्म पे जनाब मेहमान आ गए थे ऑफिस से फिर फार्म आना पड़ गया फिर ऑफिस जाना पड़ रहा है। बादल ठीक है बादल बंद रहे हैं। इसलिए मौसम ऐसा है ना ज़्यादा बारिश हो तो मसला बन जाता है पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पे और ना हो तो गर्मी हो जाती है। और गर्मी का तो ये आलम है कि आप देख लें कि फ़कीर माफिया भी गायब है कहीं छाँव में बैठा होगा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मूंजी जा रही है। आजकल शायद मूंजी की भी काश्त हो रही है ना चावलों की नहीं। कुल्फियाँ वाली रेडी खड़ी है गली में। अब ये देखिए कुल्फियाँ और आइसक्रीम बिक रही है गली में तो कोई बंदा चेक करने वाला नहीं कि ये क्या बेच रहे हैं क्या नहीं। कोई ये फ़ायदेमंद है कोई सेहत के लिए कोई नुकसान दे तो नहीं है। मैंने कहा हमारे फार्म पे फूड इंस्पेक्टर साहब तशरीफ लाए थे तो मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी रेहड़ी वाले को चेक किया जा रहा हो। कभी सुना हो को कुल्फी जो है वो चेक हुई है और बैन हो गई है। बस मतलब है कि इस मुल्क में ना जो सिस्टम है ना हमारा गवर्नमेंट का सरकारी सिस्टम जो है निज़ाम है सारा वो डेड है। बस आप इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदा हैं समझें कि यही सहूलत आपको दस्तयाब है। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। हाँ भाई गोडी करनी है कि कोई नहीं करनी बस फिर ठीक। आज की भिंडी
आज मौसम बड़ा गर्म है, दिन को बादल बने थे लेकिन अब फिर गायब हो गए। फैजान जनाब ताज़ी भिंडी लेने के लिए आया है, अब बंदा ताज़ी भिंडी लेने जा रहा है। कुत्ते किधर है? कुत्ता कभी पाक जाता कभी नहीं पड़ता, खड़ा हुआ था सामने वापिस आ गया। वो तो फनी कुत्ता है, वो बिल्ली से डरता है। हाँ जी आ गए हो, बहुत ज़्यादा पसीना शसीना कढ़ा लो, बैठे ही पसीना पे आऊँगा। शाम का टाइम हो गया जी, आजकल क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त गर्मी है इसलिए दिन को ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसलिए जो व्लॉग हैं शॉर्ट हैं। जब तक के लिए ये मौसम ठीक नहीं होता ये काम इसी तरह चलेगा, लेकिन आप करें आराम, सुबह होगी मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।